अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नारान। तो हम लोग सारे फ्रेश होके उठ गए हैं। रात को यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, मगर काफ़ी मज़े वाली सर्दी जिसे कहते हैं ना, मेरे लिए वो मज़े वाली थी क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस तरह की सर्दी पहले भी, लेकिन मेरी जो फैमिली है उनको लग पता गया है। खैर, इतनी गर्मी में से आने के बाद इतना ड्रास्टिक चेंज वेदर में आपको बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर पर हम कराची हाइट्स को, जिनको सर्दी का सिर्फ एक फ्लेवर ही मिलता है जनवरी में और दिसंबर के कुछ दिनों में, बाकी तो थ्रू आउट द ईयर जो है वो गर्मी ही रहती है। एनीवेज, तो ये हमारा होटल है जी, जो आपको मैंने रात में दिखाया था और दिन में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये इसके सामने का गार्डन एरिया है जहाँ पर हमने सोचा था कि रात को हम कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि अपने आप को वार्म रखने के लिए वॉक वॉज द ओनली ऑप्शन। तो हम लोग वॉक भी निकल गए थे और वॉक शॉक करके फिर वापस आके आराम से कूजी होके अपने रूम में बैठ के बातें शातें करते करते सो गए। तो आज का प्लान अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो इधर वी वुड बी गोइंग टू सैफल मलूक लेक, कंसिडरिंग के वेदर क्या जो है वो मामला है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम लोग निकल जाएँ यहाँ से स्ट्रेट टूवर्ड्स बेजल, जामून रेस्टोरेंट है, रास्ते में आपको काफ़ी सारे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स मिलते हैं और इसी तरह का कुछ प्लान है। तो हम लोग चूँकि ज़ाहिर है कि जब साथ में ख़वातीन होती हैं तो फिर थोड़ा टाइम भी लग जाता है, और फिर ये है कि सारे सुकून से उठे हैं, चेंज किया है, अब हम लोग निकलेंगे या तो सैफल मलूक के लिए या फिर हम जाएंगे बेजल वाली साइड, यानी कि बटाकुंडी, फिर बड़ावई और उसके आगे जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ तक रास्ता खुला हुआ, क्योंकि कल बर्फ़बारी भी हुई है, सुना है सैफल मलूक पर भी बर्फ़बारी हो गई है। तो साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं नारान भी कुछ देर, अभी हम यहाँ नारान में ही हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। चलें आपको आज दिखाते हैं नारान में। अभी हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ, तो अब देखें कि हैरान में और क्या कुछ देखने को मिलता है। फ़िलहाल कुछ यहाँ पे जो है ना वो पीस ऑलरेडी स्नो कवर्ड है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से व्यू थोड़ा सा क्लटर्ड है, इसलिए ये आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे जगह जगह से पानी बह रहा होता है, इन्होंने इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये जी स्नो कैप माउंटेन आपको दिख रहा होगा ऊपर बादलों के साथ, इस तरह और भी कई सारे पीक्स पर आपको जो है ना वो सब बर्फ़बारी नज़र आएगी, साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। उधर से निकल के इस दफा हमने रुख किया लेफ्ट साइड का, और लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट बनी हुई है। वैसे तो पाकिस्तान के फ्रूट्स दुनिया भर में जाने जाते हैं, मगर जब आप इस तरह के छोटे छोटे से हिल स्टेशंस में और रिमोट एरियाज में होते हैं तो आपको न जाने क्यों फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, और उन्हीं के बीचों बीच बनी हुई थी ये बहुत बड़ी शॉप जहाँ पे एंटीक ज्वेलरी, इसके अलावा बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के शो पीसेस और हैंडीक्राफ्ट की कुछ और चीज़ें और साथ ही साथ शॉल्स और स्वेटर्स वगैरह मौजूद थे। नारान बाजार में वॉक करते करते हम थोड़ा आगे आए तो हमें दिखा पंजाब टिक्का हाउस। पंजाब टिक्का हाउस इज अ वेरी फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन एंटायर नॉर्दर्न पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे आपको वादिय कागान में इनके कई होटल्स मिलेंगे, तो चाहे वो नारान हो या बटाकुंडी। हमने बटाकुंडी में इनका खाना ट्राई किया था जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी तो नहीं था, मगर टेस्ट वाइज डिसेंट कह लीजिए आप। तो अगर आप कोई सेफ एवरेज ऑप्शन देख रहे हैं और आप कोई तजर्बा नहीं करना चाहते तो पंजाब टिक्का हाउस पे इनकी कढ़ाई, इसके अलावा इनका टिक्का और दाल मखनी वगैरह आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। नारान बाजार से जो रास्ता आगे बटाकुंडी की तरफ जाता है, अगर आप उसी मेन रोड पे वॉक करते रहें तो आखिर में एक डायवर्जन आती है इस ब्रिज से पहले, जिसमें अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाएं तो वहां पे झील सैफुल मलूक है, जबकि लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएं तो वहां पे आपको ये होटल्स नजर आएंगे।
यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन की गई है वो कंपैरेटिवली न्यू है, इसलिए यहाँ के जो होटल्स हैं वो काफ़ी मॉडर्न और इंटीरियर के एतबार से भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपका बाजार से हटके रुकने का मूड है देन दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा जी, ये जो आप कट देख रहे हैं ना, नरान से राइट हैंड साइड पे आप मुड़ते हैं तो आपको ये रास्ता मिलता है झील सैफल मलूक का, जो कि जीप राइड है और काफ़ी बम्पी राइड होती है, लेकिन हार्डली 30-45 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पर इस वक्त चूँकि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, इसके सारे जीप वाले ऑलमोस्ट खाली खड़े हुए, लेकिन मसला ये है कि ये लोग थोड़े से जो है ना वो प्राइस इन्होंने बहुत हाई रखे हैं और सबने एक ही प्राइस रखा हुआ है ताकि इन लोगों को नुकसान ना हो। आई मीन 5,000 फॉर सैफरमलूक इज़ वे टू मच। तो यहाँ पे अमूमन जो है ना वो पर हेड का भी हिसाब होता है सीज़न के अंदर, जिसमें आपको पर पर्सन वो एक अमाउंट चार्ज करते हैं और आपको ले जाते हैं। वापसी में भी आप इसी तरह उस जीप में आ सकते हैं, तो दो वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अभी हम देखते हैं कि सबका क्या मूड होता है, सैफरमलूक जाने का इरादा है या फिर आगे बेजल की साइड पर, क्योंकि सुना है कि सैफरमलूक में बहुत ज़्यादा ठंड है और बर्फ़बारी हुई है कल, जैसा आपको स्नो पीक पे नज़र आ रहा होगा, ये सब वही पीक्स हैं जो यहाँ से नज़र आती हैं। तो यहाँ पे लाइन से कई सारी जीप्स हैं, लेकिन आई कांट सी एनी टूरिस्ट राइट नाउ। नरान में शदीद बारिश के बायस हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि हमें आगे बाबूसर टॉप की साइड पे जाना भी चाहिए कि नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिस्क लेके देखते हैं, वो ट्रिप ही क्या जिसमें इस तरह के एडवेंचर ना हो, जहाँ तक भी जा सके हो लेंगे। क्योंकि नरान से लेके बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो बेहद खूबसूरत है, और जब हमने वहाँ के लोकल से पता किया तो ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और बर्फ़बारी भी बाबूसर टॉप पे उस वक्त तक हो चुकी थी, तो काफ़ी इम्कान हैं कि शायद हमें रास्ता खुला ना मिले, मगर हमने कहा कि जहाँ तक भी चले चले जाएंगे। इस वक्त हम बटाकुंडी से गुजर रहे हैं और बटाकुंडी मैं आपको दिखाऊंगा वापसी में, क्योंकि बर्फबारी और बारिश की वजह से बाबूसर टॉप को जल्दी बंद कर दिया जाता है और उनकी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन नरान और बाकी के अतराफ में जितने इलाके हैं वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि टूरिस्ट उस रोड का रुख ना करें। तो हमने सोचा कि और बहुत सारी जगह हम फिलहाल स्किप करते हुए वापसी में एक्सप्लोर करेंगे। नरान से हम इस इरादे के साथ निकले थे कि कम से कम स्टॉप ओवर्स करेंगे, मगर इस वाटरफॉल को देख के हमसे रहा नहीं गया, और क्योंकि यहाँ पे कोई और टूरिस्ट भी नहीं था तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ देर इस वाटरफॉल के किनारे बैठ के कुछ पिक्चर्स ली जाएं और इस जबरदस्त नज़ारे और पानी की आवाज से खुद को महसूस किया जा सके। अभी हम लोग इस पॉइंट पे आए हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं 2019 में कैंपिंग पे गया था, तब यहाँ पर हमने दो रेनबो विटनेस किए थे जो क्रॉस हो रहे थे इसी पॉइंट से एग्जैक्टली। उस वक्त जुलाई का सीज़न था, बारिश हो रही थी, खैर बारिश तो कल भी हुई लेकिन आज जो है ना वो मौसम बिल्कुल साफ़ है, इट्स अ ब्राइट सनी डे विच इज़ अ गुड साइन फॉर अस। और सामने ये छोटा सा हज़ारा कैफ़े एंड रिफ्रेशमेंट सेंटर का एक उन्होंने कैफ़े सा बनाया हुआ है, यहाँ पे एक चाचा बैठे हुए काफ़ी बुजुर्ग से हैं और यहाँ पे वो चिप्स पकौड़े और चाय बेच रहे हैं। बड़ी मुश्किल लाइफ है इन लोगों की। बाबूसर टॉप की जानेब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम गुजर रहे हैं बेजर से, जहाँ पे मून रेस्टोरेंट बेहद मशहूर है। प्लान कुछ ऐसा था कि हम वापसी में यहाँ पे लंच करेंगे, इसलिए फिलहाल हम यहाँ नहीं रुक रहे और इसको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। ये तस्वीर है दूधी पत्सर लेक ट्रैक की, जो कि मुश्किल तरीन ट्रैक्स में से एक शुमार किया जाता है, और दूधी पत्सर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे दूध से कोई लेक बनाती गई हो। और फाइनली हम पहुंच गए लुलुसर लेक पे, अपने पीकॉक ब्लू कलर के लिए जाने जाने वाली ये हसीन लेक पेशे खिदमत है।
वैसे तो लुलूसर लेक को मैंने समर्स फॉल सारे ही सीजन में देखा है, बट दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दिस लेक इन विंटर्स। नारान से निकल के रुकते रुकाते बेतल क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं इस वक्त लुलूसर लेक, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सीनिक लेक्स इन पाकिस्तान। और लुलूसर को इतना खूबसूरत मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि आप पीछे देख सकते हैं स्नो कैप माउंटेन, यहाँ पे कल भी बर्फबारी हुई है। चले आपको दिखाते हैं लुलूसर लेक, यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुकेंगे। फिलहाल तो कोई रेस्टोरेंट भी ओपन नहीं है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस वक्त, तो चलें विदाउट फर्दर डिले लेट मी शो यू गॉर्जियस लुलूसर लेक। यहाँ पे फिर भी हमें कुछ टूरिस्ट दिखाई दिए हैं और रिसेंटली आई गेस उन्होंने लेज वालों ने यहाँ पे फ्रेम जो है वो लगाया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी पिक्चर ले सकें। नारान से बाबूसर टॉप का ये सफ़र तो अभी भी जारी है और लुलूसर लेक पे ये छोटा सा स्टॉप ओवर बहुत ही ज़बरदस्त रहा और उसके बाद फिर से हमने सफ़र का आगाज़ किया। और अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले पार्ट में बाबूसर टॉप पे और साथ ही साथ बेजर और बटाकुंडी भी दिखाएंगे। इसी के साथ ये ब्लॉग तो यहाँ ख़त्म हो जाता है और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट नाउ एंड डू शेयर योर फीडबैक। You can also follow me on Instagram. Keep up with Ashad. See you in the next part. Take care and Allah Hafiz.